सो हेलो एवरीवन। तो फाइनल ईयर जेई मेंस 2024 सेकेंड अटेम्प्ट के जितने भी स्टूडेंट्स आप सभी लोग रिजल्ट का वेट कर रहे थे एंड फाइनल आंसर की का वेट कर रहे थे, तो रिजल्ट तो यार आप सभी का लेट नाइट तक भी, जो कि मानस प्रतिम गोहेन सर की तरफ से आपको बताया गया था कि लेट नाइट तक जो रिजल्ट आ जाएगा 21 तारीख को, यानी कि संडे को, नहीं तो फिर मंडे को रिजल्ट आएगा। तो आप सभी का सबसे पहले जो फाइनल आंसर की था वो तो यार उसका जो डाउट बना था, फाइनली जो फाइनल आंसर की आपका लेट नाइट लगभग 11:08 में आप सभी का फाइनल आंसर की आ गया है। सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट आने का डेट है जो कि उन्होंने बताया था, जैसा कि वैसा ही सेम तरीके से आपका सेम चीज़ें होने वाली है। लेट नाइट को बताया था लेकिन लेट नाइट को नहीं आ पाया है, तो आपका फिर बताया था अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग का मतलब कि 12 बजे, दोपहर 12 बजे से पहले आज, यानी कि आज आपका हो गया कितना 22 तारीख, यानी कि मंडे हो गया, तो आज यानी कि 12 बजे से पहले कन्फर्म आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब बात करते हैं कि भैया आपका ड्रॉप जो क्वेश्चन किया गया है, ड्रॉप क्वेश्चन कौन कौन से शिफ्ट में है, तो आपको पता होना चाहिए कि 4 अप्रैल का शिफ्ट 1 में एक क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया है जो कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। क्या भैया ड्रॉप का जो क्वेश्चन किया गया है सभी स्टूडेंट्स को क्या जो है +4 मार्क्स मिलेंगे, मैंने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया फिर नहीं किया गया है, तो बिल्कुल मिलेगा। आपका जो है 4 अप्रैल का शिफ्ट 1 में मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन ओनली ड्रॉप किया गया है, सभी स्टूडेंट को चाहे आपने अटेम्प्ट किया है नहीं अटेम्प्ट किया है +4 मार्क्स सभी स्टूडेंट को मिलेगा, है ना। उसके बाद फिर बात करें 4 अप्रैल का सेकेंड शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन को ड्रॉप नहीं किया गया है, लेकिन यार यहाँ पे सबसे बिगेस्ट पता है क्या मतलब प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत सारे मैं टॉप एजुकेटर का मैंने अभी जस्ट वीडियो देखा, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि एनटीए की तरफ से जो ड्रॉप क्वेश्चन जो मिलना चाहिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ पूरे सारे शिफ्ट को मिलाकर के ओनली 4 क्वेश्चन को ड्रॉप क्वेश्चन दिया गया है, बल्कि सारे टॉप एजुकेटर की अगर जो माने तो मिनिमम जो 7 से 8 क्वेश्चन ड्रॉप क्वेश्चन होने चाहिए थे, लेकिन वो सभी क्वेश्चन को ड्रॉप क्वेश्चन नहीं किया गया है, यानी कि बोनस मार्क्स नहीं मिलने वाले अदर 4 क्वेश्चन का, ओनली 4 क्वेश्चन को एनटीए की तरफ से ड्रॉप किया गया है। तो सबसे पहला तो 4 अप्रैल का शिफ्ट 1 में अगर जो पेपर था एक क्वेश्चन का ड्रॉप, यानी कि +4 मार्क्स सभी स्टूडेंट को मिलेगा। उसके बाद फिर 4 अप्रैल का शिफ्ट में कोई नहीं है, 5 अप्रैल का शिफ्ट में कोई क्वेश्चन ड्रॉप नहीं है, 5 अप्रैल के सेकेंड शिफ्ट में कोई क्वेश्चन ड्रॉप नहीं है, 6 अप्रैल का शिफ्ट 1 में आपका 2 क्वेश्चन ड्रॉप किया गया है, एंड 6 अप्रैल का शिफ्ट 2 में आपका 1 क्वेश्चन जो कि सारा का सारा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन ओनली ड्रॉप किया गया। बाकी बहुत सारे एजुकेटर का मैं देख रहा था, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का बहुत सारे क्वेश्चन जो ड्रॉप बता रहे थे, तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट में बताना कि कौन सा क्वेश्चन आप सभी के लिए ड्रॉप होना चाहिए था लेकिन ड्रॉप नहीं किया गया है, है ना। बाकी जो भी क्वेश्चन ड्रॉप मैंने बताया है, इस दिन का आपका पेपर था, आपको +4 मार्क्स 6 अप्रैल का शिफ्ट 1 में 2 क्वेश्चन ड्रॉप किया गया है, +8 मार्क्स सभी स्टूडेंट्स को मिलने वाला है ना। तो ड्रॉप क्वेश्चन जो भी किया गया है सभी स्टूडेंट को जो है +4 मार्क्स मिलता है, लेकिन वही कि जिस शिफ्ट में आपका पेपर था, जिस डेट को आपका एग्जाम था, सिर्फ उसी डेट का, है ना। बाकी रिजल्ट का सबसे बिगेस्ट अपडेट यही है कि आप सभी का रिजल्ट कन्फर्म जो है 12 बजे से पहले आ जाएगा। मैं लाइव भी आया हुआ हूँ, मैं जो रात भर पूरा रात भर लाइव रहा, लेकिन मतलब कि रात को नहीं रिजल्ट आया, लेकिन 12 बजे से पहले कन्फर्म आ जाएगा। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम में ज्वाइन कर जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर जाइएगा, ताकि आप सभी का जब तक कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक हर एक छोटी छोटी अपडेट मिलता रहेगा। बाकी बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, थैंक्स सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स सो मच।